9 बजे आ जाना। अच्छा नाउ ये जो हम कर रहे हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हैं हमारी शॉप है, ऑल प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करके बेसिकली हमने क्या करना है कि इधर कार्ट को अगर मैं क्लिक करूँगा, इधर कार्ट को कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं इस कार्ट को एक्टिवेट कर देता हूँ मेन्यू में। तो मैं मेन्यू में जाऊँगा, ये इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ, और ये जो है ना ये जो है ना ये भी मैं ये भी सफर शॉप पर ये जो नाउ इसमें मैं मेन्यू में जाता हूँ। मेन्यू कहाँ, इंक्लूड्स में मेन्यू में गया, और मेन्यू में जाके मैंने कार्ट को एक लिंक दे दिया, AHRF इज इक्वल टू क्या नाम है, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट डॉट, बल्कि मैं इसको ऐसे करूं कि कार्ड डॉट पी एच पी, वाई नॉट कि हम एक बना लें कार्ड डॉट पी एच पी, ठीक है कार्ड डॉट पी एच पी, और कार्ड जो है वो शो हो जाए, ठीक है नहीं ऐड टू कार्ट है ना, ऐड टू कार्ट नहीं उसी को हम नाम अलग दे देते हैं, चलो चलो हम ऐड टू कार्ट ही देते, ऐड टू कार्ट, ठीक है ऐड टू कार्ट डॉट पी एच पी, एड टू कार्ड डॉट। अब मैं कार्ट में जाता हूँ, मैं कंट्रोल आर करता हूँ, और ये कार्ड बन गया, तो कार्ड को मैं क्लिक करूँगा तो ये कार्ड आ जाएगी, ठीक है डायरेक्ट कार्ड जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। नाउ मैंने चेकआउट करना है, तो चेकआउट जो बटन जब क्लिक करूँगा तो कौन सी में जाएगा, ये बेसिकली ऐड टू कार्ट में, ऐड टू कार्ट में जो चेकआउट का बटन है, चेकआउट का बटन है, ये चेकआउट का बटन है, ठीक है ये चेकआउट का बटन ये है, और इसमें मैंने जो फॉर्म दिया हुआ है उसमें एक्शन क्या लगाया हुआ है, चेकआउट डॉट पी एच पी, और चेकआउट क्या है, चेकआउट अभी बनाया नहीं है, तो चेकआउट में न्यू फाइल सेव एज चेकआउट डॉट पी एच पी, चेकआउट डॉट पी एच पी, और चेकआउट में मैं ये करता हूँ, और इसमें अच्छा हमने ये करना है कि अगर ये जो सेशन आईडी है, इस सेशन आईडी का ये अवेलेबल है, अगर ये सेशन आईडी, ये सेशन आईडी अगर अवेलेबल है डेटाबेस में, इसका मतलब है इसकी कार्ट अवेलेबल है, एक बात, और दूसरी बात यह है कि हम जो जो बंदा चेकआउट करेगा उसको लॉगिन नेम पासवर्ड पे हम ले जाएंगे, क्या करेंगे लॉगिन नेम पासवर्ड एंटर करो, तो ये चेकआउट डॉट पी एच पी में मैं व्हाट पी एच पी इको ये जो ना मैं इसको ये करता हूँ और इसको रीडायरेक्ट करता हूँ, हेडर लोकेशन लोकेशन लॉगिन डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी में जाए, और लॉगिन डॉट पी एच पी जो है अभी देखें, ये लॉगिन डॉट पी एच पी में अगर चेकआउट करता हूँ, मैं चेकआउट करता हूँ तो ये लॉगिन डॉट पी एच पी आ गया, ठीक है अब अगर मैं ये करता हूँ कि नहीं नहीं चेकआउट में लॉग इन होता है, ठीक है चेकआउट से लॉग इन में आएगा, तो मैं यहाँ पे इफ सेशन आईडी अवेलेबल, ये जो है ना इफ सेशन आईडी ये मैं बाद में करूँगा, तो ये जो है ना लॉग इन डॉट पी एच पी, अब लॉग इन में जो है लॉग इन में नीचे एक मैं देता हूँ लॉग इन डॉट पी एच पी में, जो लॉग इन डॉट पी एच पी है हमारा, उसमें मैं नीचे लॉग इन डॉट पी एच पी में एक बटन दूंगा रजिस्टर, एक मैं बी आर देता हूँ, और बी आर नहीं देता मैं, इसके साथ ही स्पेस देके AHRF इज इक्वल टू रजिस्टर यूज़र, क्या है लॉग इन यूज़र लॉग आउट और रजिस्टर यूज़र, तो रजिस्टर यूज़र डॉट पी एच पी, ठीक है register.php और इसमें मैं दे दूंगा ये बंद करता हूँ और ये register.php तो रजिस्टर करूंगा तो ये रजिस्टर आ जाएगा, मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये रजिस्टर आ गया, लॉगिन रजिस्टर
मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि न्यू न्यू कस्टमर, न्यू यूज़र रजिस्टर, न्यू यूज़र रजिस्टर, रजिस्टर हियर, ठीक है। तो मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, मैं इसको कहूँगा साइन अप, ठीक है, साइन अप है, ठीक है, साइन अप है। नाउ साइन अप जो है, ये जब साइन अप को क्लिक करेगा तो ये रजिस्टर पे आ जाएगा। रजिस्टर में मैंने बेसिकली कस्टमर का नेम लेना है, ईमेल लेनी है, पासवर्ड लेना है, और बस यही लेना है, जो बना हुआ है वही हम चलाते हैं, फ़ोन भी लेने ज़रूरी है, और इम्पॉर्टेंट बात, उसका बिलिंग और शिपिंग एड्रेस लेना है, लिहाजा हम चेंज करते हैं रजिस्टर यूज़र को। तो मैं रजिस्टर इधर जाऊँगा और इधर जाके मैं करता हूँ OSCDB कार्ड भी बने होते, बिलिंग कार्ड तो। हाँ मैं दाता हूँ अभी ये तो कर लेना वो सब यूज़र में। हाँ हाँ देन जो है ना ये है, और उसके बाद ब्लॉक यूज़र डेट क्रिएटेड, ईमेल, नेम, पासवर्ड, और मैं ये करता हूँ इसमें, ये यूज़र में जाता हूँ, और इसमें क्या है, इसमें मैं ऐड करता हूँ, नहीं ये नहीं ऐड करता, मैं इसको स्ट्रक्चर में जाता हूँ, और स्ट्रक्चर में जाके मैं कितने फील्ड ऐड करूँगा, एक तो हमें चाहिए फ़ोन नंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और एक चाहिए हमें बिलिंग एड्रेस, एक शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, ये तीन फील्ड हमें चाहिए। तो तीन फील्ड कैसे करूँगा, तीन फील्ड आफ्टर डेट क्रिएटेड, ओके गुड, डेट क्रिएटेड के बारे में उसके बाद, ठीक है ओके आफ्टर। तो इधर जो है मैं एक लिखूँगा फ़ोन, फ़ोन जो है एक वारचार होगा, और 12 इसमें करेक्टर्स हैं, 12 नहीं है, मैं 20 कर देता हूँ, वैसे इतना बड़ा 20 वाला होता नहीं है, हमने जो है, ठीक है। तो मैं करता हूँ बिलिंग एड्रेस वारचार करता हूँ, वारचार, और वारचार में मैं कर देता हूँ 255, बिलिंग एड्रेस 255, और शिपिंग एड्रेस, तो ये शिपिंग एड्रेस आ जाएगा, और शिपिंग एड्रेस में मैं वारचार करता हूँ, और 255 और सेव करता हूँ। नाउ जब ये रजिस्टर करेगा, पहले मैंने फ्रंट एंड बनाना है, तो मैं इसको जो पासवर्ड है, बेसिकली यहाँ पे मैं तीन फील्ड लगा देता हूँ, जो लेबल है ये एंटर पासवर्ड अभी यार, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एक पहले मैं करता हूँ एंटर पासवर्ड नहीं, एंटर फोन, और ये हो जाएगा टाइप जो है वो टेक्स्ट, और वैल्यू जो है ना, इसको पासवर्ड 2 नहीं देते, इसको देते हैं फ़ोन, और एंटर पासवर्ड नहीं है, एंटर क्या है, एंटर बिलिंग एड्रेस, और बिलिंग एड्रेस में हम टाइप पासवर्ड नहीं है, टाइप टेक्स्ट है, और बल्कि मैं इसको टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ, वाई नॉट कि इसको मैं टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू 10, कॉल्स इज इक्वल टू 20, कॉल्स इज इक्वल टू 40, ठीक है, और ये जो है नेम इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ बिलिंग एड्रेस, और बिलिंग एड्रेस में ये एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, ये अच्छा यही जो है BR, मैं करता हूँ कंट्रोल सी, और इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, और शिपिंग एड्रेस, एंटर शिपिंग एड्रेस, और इसको मैं शिपिंग एड्रेस दे देता हूँ, क्योंकि बिल आपको कहीं और से मिलेगा, ठीक है, मे बी बिल अमाउंट आपको कहीं और से, बिल आपको कहीं और से मिले, किसी एड्रेस से, पिंडी ऑफिस से मिले, लेकिन आपने शिप, आपका गोदाम जो है वो इस्लामाबाद में है, तो शिप वहाँ पे करना है प्रोडक्ट, बिल आपको यहाँ से क्लियर होगा, ओके, देन जो है ना ये ओके दिस इज़ गुड, और ये जो है मैं इसमें जाता हूँ, किस में जाऊँगा, ये जो जो चेकआउट है, ये हमारा रजिस्टर्ड फॉर्म है,
फॉर्म कहाँ है इसका, देखें फॉर्म कहीं नजर आ रहा है, ये फॉर्म है लॉग इन यूजर। यही तो मैं कह रहा हूँ ना यार, लॉग इन पेज पे थोड़ा ही है, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? रजिस्टर्ड डॉट पी एच बी में होगा यार, रजिस्टर्ड इसमें होगा ना, इसमें मैंने ऐड करना है, बोल ही नहीं रहे हो यार, इधर बैठे हो सारे। सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर तो नहीं है इसको, बहरहाल बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर हमें ज़रूरत नहीं है। एंटर पासवर्ड के बाद एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद सेलेक्ट प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। और रजिस्टर सबमिट राइट, ये मैं कंट्रोल डी करता हूँ, और ये जो है ना यहाँ पे मैं जब रजिस्टर करूँगा तो रजिस्टर में कंट्रोल आर, और ये इस तरह आ जाएगा माय गॉड, ये कोई बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह है। और नाउ इसको आपने सही करना है टीम के साथ, ठीक है। रोज क्या करूँ, ठीक है, मैं इसको करता हूँ रोज जो है, रोज तो ठीक है, रोज ठीक है, रोज जो है मैं करता हूँ 5, और इसको कॉल्स भी इसको मैं 30 कर देता हूँ, और 30 कर देता हूँ और 5 करता हूँ, तो ये जो है हमारा ये कुछ तो ये इस तरह आ जाएगा राइट। नाउ अगर हम जो है इसको जब रजिस्टर प्रेस करेंगे, इसके बाद मैंने वी आर लगाना है, कंट्रोल आर, ये रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा, रजिस्टर का बटन आ जाएगा, और रजिस्टर का बटन मैं एक और दफ़ा वी आर करूँगा ताकि नीचे आ जाए रजिस्टर, और रजिस्टर जब ये मैं प्रेस करूँगा तो वो रजिस्टर यूज़र पे जाएगा। नाउ रजिस्टर यूज़र में मैंने चेक करना है, बाकी ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, एक मिनट, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, तो फिर ये है रजिस्टर, रजिस्टर डॉट पी एच बी रिकॉर्ड एक्सेस, inserted to user, email name, date created, block user, और after date created है ना, तो मैं करता हूँ इसको phone, comma, billing address, और हमारा डेटाबेस का दूसरा कॉलम है shipping address, तो मैं इधर करूँगा block user means, कोई बात नहीं, जो सीक्वेंस है वही हमने देना है, तो डॉलर पहला क्या है, डॉलर फोन, उसके बाद क्या है डॉलर बिलिंग एड्रेस कॉमा डॉलर शिपिंग एड्रेस, ठीक है। तो ये जो है ये किया, देन जो है बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस, ये तीन हैं, रजिस्टर डॉट पी एच पी मैसेज इज इक्वल टू इंसर्ट, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये जो बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये जो है मैं करता हूँ डॉलर फोन इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ये जो है ना फोन पोस्ट फोन है, और डॉलर बिलिंग एड्रेस इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बिलिंग एड्रेस डॉलर शिपिंग एड्रेस इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट शिपिंग एड्रेस, ठीक है। तो ये जो है ना शिपिंग एड्रेस, एक और इम्पॉर्टेंट है कि हम बिलिंग एड्रेस एटलीस्ट लाजमी उससे कन्फर्म करें, तो एल्सिफ जो डॉलर बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस इज इक्वल टू 0 to MT, तो जो डॉलर मैसेज है, डॉलर MSG है इज इक्वल टू बिलिंग एड्रेस कैन नॉट बी, ये जो है ना ये सभी करो, तो हमारा रजिस्टर भी हो जाएगा कंट्रोल आर, और मैं नेम देता हूँ, मैं करता हूँ कस्टमर,
एनी कस्टमर, कस्टमर मैं लिख देता हूँ, देन ईमेल जो है alicustomer@gmail.com, एनी कस्टमर, ये नाम याद रखना ठीक है, देन पासवर्ड है ए, तो फ़ोन है 1234, कितने करेक्टर्स है फ़ोन, ये यहाँ पे है कि नहीं नहीं यहाँ पे मैंने चेक तो नहीं लगाया हुआ ना, ओके ओके 1234, नहीं नहीं फ़ोन है ना यार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, ओके नाउ इसको मैं करता हूँ +92 +92 333 और ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 बिलिंग एड्रेस में दूंगा AGT प्लाजा AGT AGT प्लाजा सदर रावलपिंडी, ठीक है राइट, नाउ इसको करेंगे फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ, जो बिलिंग एड्रेस है वहाँ पे मैं शिपिंग एड्रेस भी यही है, शिपिंग एड्रेस जो है यहाँ पे कंट्रोल भी, और ये है मैं रजिस्टर करूँगा रजिस्टर, तो रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, और यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ ब्राउज करके और मुझे नज़र आ जाएगा ये जो रिकॉर्ड है ये अली कस्टमर वो हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो ही वो रजिस्टर करेगा तो हमें कहाँ पे लाना है उसको लाना है लॉगिन पे, रजिस्टर रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड नहीं आना चाहिए बल्कि लॉगिन करना चाहिए उसको, ठीक है, तो वो लॉगिन में चला जाए। जी सर आपने आप मैनुअली लगानी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, सबके नाम लिख के आगे कोर्स लिख के स्लिप दे के, बिल्कुल ठीक है सर, आपने तीन चीज़ें इसके अंदर लिखनी है सर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो बाद बस नेट होता है बाद नहीं होता, ठीक है सर, अदरवाइज हमारा सर्वर लाइव भी हो गया, ठीक है, आप उसको दूसरी आई पी पे भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर नेट यहाँ का नहीं चल रहा तो अपने नेट पे भी एक्सेस, ठीक है बिल्कुल ठीक है, लेकिन चले ठीक है वो अगर नहीं हो रहा आपने बच्चे का नेम लिखना है, ठीक है, उसको जो स्लिप मिलेगी उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, बिल्कुल ठीक है, वो नंबर आपने लिखना है और उसका कोर्स लिखना है कि कौन सा इसका कोर्स है, फादर नेम नहीं लिखना वो चीज़ कोई जरूरत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो आज गवर्नमेंट पाकिस्तान में खत्म कर दिया, मम्मी के नाम भी सब कुछ, ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ओके, जैसे सर वो झंझट था ना बेचारों को औरतों को जस्टिफाई करना पड़ता था, ठीक है, तो ये यहाँ पे बच्चे का नेम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और उसका कोर्स, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है, बिल्कुल ठीक, और अगर फीस आ सकती है किसी ने कितनी पे की हुई है तो वो लाजमी लिखना है, बिल्कुल ठीक, और ये अटेंडेंस आपने रोज़ाना डेली की लगा के नीचे जो मैडम बैठी हुई है ना ये रजिस्टर आपने उसको दे जाना है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल, वो अटेंडेंस क्या करेगी सिस्टम के ऊपर खुद अपडेट कर देगी, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये आपने मैनुअली मुझे बस ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ये आपने सर ने जो ओके वैसे मुझे मैं ऑनलाइन भी वो सर वजह क्या होती है मैं आपको बताऊँ, जब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं ना तो ये क्लास लेते हैं, अब बिल्कुल कोताही मेरी है ज़ाहिर लाजमी पहली बात ये होनी चाहिए, बिल्कुल तो ये होगी, ठीक है, और मैं मेरे ख्याल में उसके बाद ऑनलाइन लेना शुरू कर दूंगा जब तक मैं स्मूथ होता सही तरीके से, तो ये यही ऊपर ले, अच्छा कोई और भी करता है इसे कहीं और डबल चेक हो जाएगा कि आप इधर ले रहे हैं और मैडम जो है ना वो क्या ले रही हैं इसके ऑनलाइन ले रही हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं ये यहाँ पे ले बिल्कुल ठीक, तो इस वजह से जो है सिर्फ हमारी एक ये क्लास है, हाँ, और एक और क्लास है जिसमें हमें डिस्टर्बेंस है कि उसकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं लग रही, ठीक है ठीक है ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर पता नहीं चलता कि कौन सा स्टूडेंट चला गया है कंप्लीट हो गया किसका रहता है, ठीक है ठीक है, मतलब सिस्टम में डाटा ज़्यादा शो हो रहा होता है, हाँ हाँ, और एक्चुअल में स्टूडेंट कम आ रहे होते हैं, तो अगर इसके फौरन बाद हम ये करेंगे, ठीक है, ये जो है ना सारे अपने अपने नाम लिखवाए, आपके तो दो दिन रहते हैं ना, लेकिन फिर भी आपकी आपका तो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, अच्छा रजिस्टर हैज़ बीन नाउ लॉग इन, मैं लॉग इन में जाऊँगा ना, जब ये रजिस्टर हो तो ये लॉग इन में चला जाए, तो ये लॉग इन में रजिस्टर नहीं है, लॉग इन में चला जाए, पासवर्ड हटा दिया, और
साइन अप, ठीक है, ये ठीक है, साइन अप हो जाएगा और मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये एंटर ईमेल, ईमेल में मैं करता हूँ अगर अच्छा नहीं मैं इसको इसको मैं करता हूँ क्या 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 ना अली कस्टमर एट जीमेल डॉट कॉम और पासवर्ड ए है, ओके पासवर्ड ए है और लॉग इन है तो अली कस्टमर आ गया। अब अली कस्टमर ने कहाँ जाना है, अभी अभी वो कार्ट में जाना है तो ये अली कस्टमर कार्ट में जाएगा, ये तो बैड एक्सपीरियंस नहीं है, पर रजिस्टर से लॉगिन नहीं आया, लॉगिन से फिर कार्ट में जाएगा, यही होता है, यही होता है, उसको उसकी उसकी कार्ट तो वो बैड एक्सपीरियंस क्यों है, कार्ट करके आया था ना, नहीं नहीं कार्ट करके नहीं आया था, अभी मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप देखें ना, अगर एक बंदा रजिस्टर ही नहीं है तो उसको कैसे प्रोडक्ट हम किस किस बेस पे दें, वही ना रजिस्टर बस हो गया तो उसको रजिस्टर से डायरेक्ट कार्ड ले रहे हैं ना, रजिस्टर हो गया है लेकिन हम एक्टिवेशन ईमेल भेजेंगे, एक्टिवेशन ईमेल के पहले एक्टिवेट करो, ईमेल से एक्टिवेट करो तब जाके हम वैलिड करेंगे, ऐसे तो नहीं है कि जो मर्जी है करने, लॉगिन के बाद आ जाएगा उधर वापस पे। चलो ओके, यानी आप ये कहते हैं कि लॉगिन ना हो, लेकिन लॉगिन अलग होना चाहिए क्योंकि ये यार पेमेंट का मसला है, लॉगिन उसको ऑथेंटिकेट करके लॉगिन करना है, लेकिन आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना जो इंसर्ट हो वो डायरेक्ट कार्ट में आ जाए, कार्ट में ना आए, कार्ट में ना आए, ये चेकआउट में चला जाए, ये कहते हैं, नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक है, इस तरह सही है, अगर वो चेकआउट को बटन दबाए फिर लॉगिन पे ले गए, क्या आप एक दफा पासवर्ड ठीक है, ठीक है, राइट राइट, मैं अभी ये करता हूँ कि इसको इसको ये कौन सी फाइल है, लॉगिन यूजर है तो ये कहाँ पे जाने चाहिए, कार्ड डॉट पी एच, कार्ड डॉट पी एच पी में नहीं, चेकआउट डॉट पी एच पी में, ये ऑर्डर डॉट पी एच पी में, नहीं ऑर्डर डॉट पी एच पी में भी नहीं जानी चाहिए, ये जाना चाहिए पेमेंट डॉट पी एच पी, पेमेंट डॉट पी एच पी, पेमेंट डॉट पी एच पी में जाना चाहिए ना यार, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, ये जो है ये मैं कस्टमर की जो आईडी है वो जब लॉगिन करेगा तो ऑथ इज इक्वल टू वन कर रहा हूँ, एक चीज़ ये कर रहा हूँ पेमेंट डॉट पी एच पी में ऑथ इज इक्वल टू वन, और ये जो है कस्टमर की आईडी भी लूँगा ना, एक मिनट मैं इधर से देखता हूँ कस्टमर की आईडी कैसे लूँ, तो यहाँ से कस्टमर की आईडी क्या है, यहाँ पे मैं देता हूँ ईमेल, ओके ईमेल इज कस्टमर आईडी, राइट, तो व्हाई नॉट कि मैं इधर डॉलर अंडरस्कोर सेशन सेशन ईमेल, ईमेल इज इक्वल टू जो डॉलर रिकॉर्ड रिकॉर्ड ईमेल, डॉलर रिकॉर्ड ईमेल, तो ईमेल भी मैं सेशन में रख देता हूँ, ईमेल से मुझे कस्टमर मिल जाएगा और कार्ट आईडी वहाँ से ले लूँगा, ठीक है, कार्ट आईडी जो है ना वो वहाँ से मैं इस कस्टमर की ईमेल आईडी, बेसिकली इस कस्टमर की आईडी मुझे मिल जाएगी, और यस एक और चीज़ कि जो सेशन आईडी है मुझे सेशन आईडी कहाँ पे मिलेगी, मुझे सेशन आईडी मिलेगी जनाब जो भी करंट सेशन है, जो भी करंट सेशन है उस सेशन को मैंने ये करना है, बिल्कुल सेशन आईडी भी होगी, तो ईमेल यहाँ से आएगी, सेशन आईडी वहाँ से आएगी और ये ऑर्डर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो मैं ईमेल जो है ये यहाँ से नहीं दे रहा, और ये अब कहाँ पे जा रहा है, ये पेमेंट डॉट पी एच पी में, तो पेमेंट डॉट पी एच पी, अब मैं पेमेंट डॉट पी एच पी बनाता हूँ, न्यू फाइल, फाइल सेव एज पेमेंट डॉट, पेमेंट डॉट पी एच पी, पेमेंट डॉट पी एच पी में यहाँ पे मैं करूँगा पेमेंट डॉट पी एच पी में, यहाँ पे किधर है यार ये रजिस्टर, रजिस्टर ही ले लेता हूँ, रजिस्टर ही कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये पेमेंट है और कंट्रोल बी, ठीक है, तो पेज अप जो रजिस्टर नहीं है ये पेमेंट डॉट पी एच पी, अब जो ये जो पेमेंट है ये पेमेंट आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है
बेसिकली आप सेव करेंगे किस में, ऑर्डर में। ऑर्डर में क्या, ऑर्डर में क्रेडिट कार्ड नंबर होना चाहिए, ऑर्डर में तो नहीं होगा, वो तो कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो कस्टमर के टेबल में हमने क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है। तो पेमेंट में फिलहाल हम तो पेमेंट का नहीं, बेसिकली कोई भी हम वो करते हैं, देन रजिस्टर जो है यहाँ पे मैं पेमेंट गेटवे ओएससी ठीक है। नाउ इसको रिकॉर्ड एग्जिस्ट और रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ये सर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट है किस लिए ये कर रहा है, तो ये जो ना रजिस्टर्ड यूज़र की जगह ये आ जाएगा पेमेंट चेक पेमेंट डॉट पी एच पी, मल्टी प्लेटफॉर्म डाटा नहीं है ठीक है। और एंटर नेम नहीं है, एंटर जो क्या होता है क्रेडिट कार्ड नंबर। और दूसरा जो है ना क्रेडिट कार्ड नंबर पे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या चीज़ें होती हैं, हाँ ये जो है ना नेम जो है क्रेडिट, मैं कार्ड नंबर करता हूँ वैल्यू ये, देन एंटर पिन ठीक है, ईमेल जो है ईमेल नहीं है, ये है टेक्स्ट और इसमें जो है ना नेम जो है ना वो पिन ठीक है, पिन एंटर करेगा, देन पिन एंटर करके एंटर पासवर्ड कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली जो है ना सब चीज़ें हो जाएंगी। और ये सारे ही मैं कैंसिल कर देता हूँ, सबमिट वाला बटन में ये सबमिट नहीं है बल्कि ये रजिस्टर नहीं है, ये पे यहाँ पे हो जाएगा, पे चेकआउट वहाँ से हो गया है, पे करेगा ना तो वो पे का बटन होगा। और अच्छा ये पेमेंट हो जाएगी, ऑर्डर टोटल भी तो होगा, ऑर्डर टोटल कार्ड से हो जाएगा ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। जब ये पे हो जाएगा तो क्रेडिट कार्ड नंबर, एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर राइट, तो पे हो जाएगा, जब ये पे हो जाएगा कार्ड चेक पेमेंट में जाएंगे और चेक पेमेंट में न्यू फाइल सेव एज चेक पेमेंट डॉट पी एच पी। बेसिकली चेक पेमेंट जो है वो रजिस्टर यूज़र है और कंट्रोल ए कंट्रोल सी और चेक पेमेंट जो है कंट्रोल बी करेंगे और पेज अप। और यहाँ पे हम पेमेंट में एक होगा कार्ड नंबर होगा और ये कार्ड नंबर हो जाएगा ठीक है, कार्ड नंबर। और दूसरा क्या होगा, पिन हो जाएगा और पिन जो है यहाँ पे पिन आ जाएगा। ये याद रखें, ये पोस्ट डायरेक्टली नहीं करना, आपने इसकी इनपुट वैलिडेट भी करनी है, गलत ना हो कि एग्जैक्ट क्रेडिट कार्ड और उसका ईयर सारा कुछ करना है। और कोई भी इनपुट ऐसे नहीं जानी चाहिए, मतलब इसको स्ट्रिप स्लैश सारे यूज़ करने। अभी मैं कोई पेमेंट सैनिटाइज कोई चीज़ यूज़ नहीं करता, तो मैं इंक्लूड है इंसर्ट पिक्चर ये नहीं चाहिए, देन ईमेल बिल्कुल वो सारा कुछ होता है। तो अभी मैं कार्ड नंबर और कार्ड नंबर के नाम कार्ड नंबर कैन नॉट बी, और दूसरा है पिन कैन नॉट बी, पिन जो है पिन कैन नॉट बी, पिन कैन नॉट। और इसको मैं ये करता हूँ, ये मैं एंटर बिलिंग एड्रेस, एंटर शिपिंग एड्रेस, और ये जो है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये बिल्कुल वो है। और इसको मैं रजिस्टर्ड यूज़र को कुछ भी नहीं करूँगा, ये जो है ना मैं इसको ये डिलीट करता हूँ और एक ब्रैकेट ये वाली मैं कैंसिल कर देता हूँ। और इसमें इंसर्ट इनटू नहीं है, अपडेट यूज़र्स सेट कार्ड नंबर इज़ इक्वल टू डॉलर कार्ड नंबर
कार्ड नंबर एंड नहीं कॉमा पिन इज इक्वल टू पिन डॉलर पिन डॉलर पिन वेयर ईमेल इज इक्वल टू वेयर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ये ईमेल इज इक्वल टू ये मैं सारा कैंसिल कर देता हूँ, ये मैं सब ख़त्म कर देता हूँ ये, और इसमें मैं ये करता हूँ और ये और इसमें डबल डॉट और डॉलर अंडरस्कोर सेशन सेशन ईमेल, ठीक है। तो ईमेल जो है ये कस्टमर का आ जाएगा और हमारे पास सेशन स्टार्ट यहाँ पे होगा, सेशन स्टार्ट सेशन स्टार्ट। ठीक है सेशन स्टार्ट और ये जो है ना अपडेट है कस्टमर वेयर ई मेल इज जो क्यूरी लॉग इन डॉट पी एच पी में नहीं जाना चाहिए बेसिकली ये ऑर्डर डॉट पी एच पी ऑर्डर डॉट पी एच पी कैंसिल का ऑप्शन भी हो सकता है यस कैंसिल अगर करेगा तो हम कैंसिल का कल बनाएंगे ठीक है ऑर्डर डॉट पी एच पी में जाएंगे ठीक है ऑर्डर डॉट पी एच पी में मैसेज इज इक्वल टू इंसर्ट ऑर्डर डॉट पी एच पी तो ऑर्डर पे जाएगा ना तो पिन हाँ दो पिन और ये जो है ना कार्ड नंबर दो चीज़ें मैंने डेटाबेस में ऐड करनी है यहाँ पे डेटाबेस में मैं गया और यूज़र्स में मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करनी है वो है कार्ड नंबर और पिन ठीक है दो जो है ना एक कार्ड नंबर होगा टू फील्ड्स मैंने ऐड करने आफ्टर शिपिंग एड्रेस और एक होगा कार्ड नंबर क्या होगा जो फिक्स्ड वेट बड़ी चक लगाने हैं इसमें जो है ना सही तरीके से बिल्कुल जो है मैं 50 कर देता हूँ इतना है नहीं करेक्टर्स लेकिन आपने बिल्कुल उसी तरह जो है ना देन पिन रखना है इसका और पिन जो है ना मैं बार चार रखता हूँ और पिन में जो है ना 10 करेक्टर्स दे देता हूँ और उसका ईयर वगैरह सारा कुछ लेकिन हम उसको वैलिडेट नहीं कर रहे ये दो आगे तो कार्ड नंबर और पिन आ जाएगा नाउ ऑर्डर डॉट पी एच पी मैं बनाता हूँ और न्यू फाइल फाइल सेव एज order.php और मैं लिखूंगा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर यू फॉर योर ऑर्डर ठीक है अच्छा ये जो है मैं प्रोफाइल में जाता हूँ और अब मैं करूंगा कार्ट में मैं जाऊंगा चेकआउट में मैं जाऊंगा ईमेल में ईमेल क्या है अली कस्टमर जीमेल डॉट कॉम पासवर्ड ए और लॉग इन एंड एंटर क्रेडिट कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल ये है और पिन जो है ना 1 2 3 4 है और मैं पे कर रहा हूँ पे थैंक यू फॉर योर ऑर्डर अब ये ऐसे थैंक यू फॉर योर ऑर्डर नहीं आएगा बल्कि अब मैं चेक करता हूँ डेटाबेस में जाके कि ये इसी तरह ये इंक्रिप्टेड जाएगा ये इंक्रिप्टेड जाएगा पिन नंबर हाँ वो सीखूंगा वो भी मैं सीखूंगा लेकिन ये देखें नहीं आया ना कार्ड नंबर और पिन नहीं आया ठीक है तो ये चेक पेमेंट डॉट बी एच पी में अपडेट यूजर्स नहीं है यार अपडेट यूजर्स सेट कार्ड नंबर कॉमा पिन इज इक्वल टू पिन वेयर ईमेल इज इक्वल टू सेशन ईमेल अच्छा सेशन ईमेल में जो ईमेल है ये इसको मैं इंसर्ट ऑर्डर डॉट पी एच पी तो आया है ये बिल्कुल ठीक है लेकिन इसने सेट नहीं किया क्या वजह नहीं इको डॉलर ईमेल एग्जिट करता हूँ तो मैं नहीं कार्ड की वैल्यू मैं बताता हूँ एक मिनट में इधर चले जाऊँ लॉगिन में मैं जाता हूँ और लॉगिन में जाके मैं करता हूँ कस्टमर एक 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 शाम खामोश हो जाओ यार
क्लास ले रहा हूँ, आपको इतनी समझ नहीं है कि ओके ए लॉग इन पेमेंट गेटवे ओएससी आ गया, ठीक है मैं 1111 रखता हूँ, 1111 है एक मिनट पे अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल ऑनलाइन 25 अब आया ना 25 पे अनडिफाइंड डॉलर ईमेल वेरिएबल सॉरी डॉलर एसक्यूएल करना है, डॉलर एसक्यूएल करना है और कंट्रोल आर कंटिन्यू तो 1111 वेयर ईमेल इज इक्वल टू कस्टमर एट gmail.com तो मैं इसको कंट्रोल सी और इसको मैं करूँगा इधर और इसको मैं करूँगा सीक्वल और सीक्वल में जाके ये जो है ना यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल बी और इसको मैं गो करूँगा, चेक करता हूँ कि ये अपडेट कस्टमर इसने तो अपडेट कर दिया है, इसने तो अपडेट कर दिया है लेकिन ये मैं यूज़र्स में जाता हूँ और यूज़र्स में जाके देखता हूँ कि ये पिन और यस इसने कर दिया लेकिन अभी क्यों किया है, एक मिनट है ये जो है ना मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मैं दोबारा इसको एडिट करूँगा इसको एडिट में स्ट्रक्चर में ब्राउज में ही हूँ लेकिन इस अच्छा ये जो क्यूरी मैंने लिखी है ये क्यूरी मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल भी और मैं दोनों एम्प्टी कर देता हूँ, ये मैं ऐसे ही करता हूँ एम्प्टी और ये एम्प्टी क्योंकि वो ये वहाँ से होना चाहिए ना, तो पिन इज इक्वल टू पिन कार्ड नंबर इज इक्वल टू सेट कार्ड नंबर इज इक्वल टू कार्ड नंबर और ये जो है ना वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस नाउ ये आ गया और अब मैं जाके देखता हूँ ब्राउज करता हूँ और ये एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है तो ये अभी एम्प्टी हैं दोनों, तो इस कार्ड नंबर का मैं दोबारा इसको टेस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मैं इसको एग्जिट कार्ड देता हूँ, ये एग्जिट इसमें कोई इशू तो है नहीं लेकिन ये ऑर्डर डॉट पी एच पी ये हो जाना चाहिए था लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैं पे करता हूँ कंट्रोल आर और इसको मैं करता हूँ 222 और इसको भी मैं 222 और पे तो ये जो है ना यहाँ पे आना चाहिए, ब्राउज करेंगे नहीं आया क्या गलती है इसमें बता सकते हो, कौन से ब्राउजर को नहीं वहाँ से रिफ्रेश किया, ये डेटाबेस है यार ये आ जाता है, ईमेल यही है alikustomer@gmail.com और क्या वजह है कि ये नहीं आ रहा कार्ड नंबर पिन सर वो या पोस्ट का मसला हो सकता है उसका वो बटन है ये आ रहा वैल्यू भी नहीं हो सकती बटी ले रहा हूँ नहीं वैल्यू नहीं बटी नहीं दे रहा यार एरर आता है कुछ बटी आ रही है एरर आ रहा है मैं एक मिनट मैं इधर करता हूँ और डाई माई सिक्वलाइट एरर और डॉलर कनेक्शन, ठीक है ये खुद देगा खुद हमें बताएगा कि ये कोई ना कोई एरर है यार, एरर के बगैर जो है ना ये वो पॉसिबल नहीं है कि ये जो है ना मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ और इसको मैं 222 और इसको मैं 222 और इसको मैं पे करूँगा, ये आया है कनेक्शन वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन ऑनलाइन 27 क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ फाइल को, नहीं हाँ connection.php इंक्लूड नहीं करवाई हुई तो रजिस्टर्ड यूज़र में इंक्लूड मैं लिख देता हूँ, इंक्लूड और रिक्वायर दो होते हैं, ठीक है रिक्वायर जो है वो एरर जो है ना वो करता है इंक्लूड्स में connection.php ठीक है और ये आ गया और अब जो है मैं इसको नीचे जाके इसको मैं ये कर देता हूँ डाई माइसिकल वैरल, अब ये डाई नहीं करेगा और मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करता हूँ और मैं करता हूँ 333
333 और इसको करता हूँ 333 और मैं पे करता हूँ, तो ये थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। और अब देखें आप ये आ गया 333। ठीक है ना, ओके। नाउ ये जो चीज़ है 333 ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो कल हम करेंगे ऑर्डर का, ये ऑर्डर का बनाएंगे और ऑर्डर्स को फिर व्यू करेंगे उधर और उसको शिप करेंगे। ओके थैंक यू। ओके ये बंद कर देते हैं। ओके कल हम ऑर्डर का बाकी ऐसा करेंगे, सारे जो है ना आ जाएं। ठीक है, ओके।